प्रणाम बाबा। कल मैं जब आपसे बात करके गया, आपसे मिल के गया, तो मेरे बेचैन मन को बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत शांति मिली, मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई। हाँ मेरे बच्चों, अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारे मन को खुशी मिलेगी। आज मैं तुम्हें एक प्रार्थना का ढंग बताता हूँ, जिसको तुम करोगे तो ईश्वर तुम्हारी जरूर सुनेगा। मेरे बच्चों, तुम ना किसी की निंदा किया करो, ना किसी से ईर्ष्या किया करो, ना ही नफरत किया करो। अपने आप को मालिक को सौंप दो और हमेशा प्रार्थना करते रहो। सच्चे मन से और दिल से की हुई प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। तुम ऐसे प्रार्थना किया करो कि हे मेरे मालिक, दया कर, करम कर। मैं इतना चाहता हूँ कि मालिक, मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति करता रहूँ। मुझे ना धन चाहिए, ना मुझे संपत्ति चाहिए, बस मैं तुम्हारी कृपा का भागी बनना चाहता हूँ। इस संसार के पाप, ताप, शाप मुझे परेशान कर रहे हैं। संसार के लोग, मोह, माया मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की हर कोशिश कर रहे हैं। हे मेरे मालिक, मुझे इतना मनोबल दे कि मेरा मन हमेशा तुम्हारे चरणों में लगा रहे, तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होता रहे। मेरे मन को अहंकार न छुए और मेरे मन में पापी विचारों को कभी ना जगह मिले। मेरे मन का कोना कोना तुम्हारी याद में भरा रहे। तुम हर संकट में अपने भक्तों की रक्षा करते हो। इस संसार रूपी भवसागर में मेरी जीवन रूपी नैया विचारों की आंधी और तूफान में डगमगा रही है। तुम ही पार लगा सकते हो। हमें पार लगा दो मालिक, हमें पार लगा दो मालिक। अगर तुम सच्चे मन से मालिक से इस तरह से प्रार्थना करोगे ना, तो ईश्वर तुम्हारी जरूर सुनेगा। अच्छा बाबा, बाबा मैं तो आज से ही रोजाना इस प्रार्थना को करूँगा। अच्छा बाबा, प्रणाम, हम कल फिर मिलेंगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, तुम हमेशा ही खुश रहो और हमेशा ही मुझे अपने आसपास महसूस करो।